नमस्कार, आप सभी ने अध्याय दो पूरी तरीके से पढ़ लिया। अध्याय दो में एनसीईआरटी में कुल 18 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखेंगे कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। और आप लोगों ने टेस्ट भी दिया, उसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आप सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है अध्याय दो में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में, एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहाँ पर नर एवं मादा युग्मक उद्भिद का विकास होता है। इतना इजी क्वेश्चन, पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहाँ पर नर और मादा युग्मक उद्भिद का निर्माण होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नर युग्मक उद्भिद का मतलब पता है क्या होता है, याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। नर युग्मक उद्भिद का मतलब होता है पराग कण यानी पोलन ग्रेन। तो ये पूछ रहे हैं कि नर युग्मक उद्भिद का विकास कहाँ होता है, यानी परागकण का विकास कहाँ होता है। आप बता सकते हैं परागकण का निर्माण पुंकेसर के पराग कोश में, पुंकेसर के पराग कोश यानी एंथर में। दूसरा, उसी में पूछ रहे हैं कि मादा युग्मक उद्भिद का विकास कहाँ पर होता है, पुष्प के किस भाग में मादा युग्मक उद्भिद का विकास होता है। तो आपको पता है कि मादा युग्मक उद्भिद का मतलब क्या होता है, मादा युग्मक उद्भिद का मतलब होता है भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण कोष का निर्माण बीजांड के अंदर, ऐसे लिखेंगे अंडाशय में उपस्थित बीजांड में, अंडाशय में उपस्थित बीजांड में। इजी था क्वेश्चन कि एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहाँ पर नर और मादा युग्मक उद्भिद का विकास होता है। तो नर युग्मक उद्भिद यानी पराग कण का निर्माण पुंकेसर के पराग कोष में, मादा युग्मक उद्भिद यानी भ्रूण कोष का निर्माण अंडाशय में उपस्थित बीजांड में। इसका आंसर लिखेंगे कि एक आवृत बीजी पुष्प में नर युग्मक उद्भिद का विकास पुंकेसर, नर युग्मक उद्भिद अर्थात पराग कण का विकास या निर्माण पुंकेसर के पराग कोष में होता है, तथा मादा युग्मक उद्भिद अर्थात भ्रूण कोष का निर्माण अंडाशय में उपस्थित बीजांड में होता है। बस ये था इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रो स्पोरेंजियम और गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर बताना है। गुरु बीजाणु धानी यानी मेगा स्पोरेंजियम, इनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। और फिर आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम अंतर देख लें कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है। पहला अंतर कि लघु बीजाणुधानी कहाँ पर निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणुधानी का निर्माण पुंकेसर के पराग कोष में होता है, ठीक है, पराग कोष यहाँ पर पराग कोष ये होगा, पराग कोष के चारों कोनों पर विकसित होता है। लघु बीजाणुधानी कहाँ बनता है, पुंकेसर के पराग कोष में। गुरु बीजाणुधानी कहाँ बनता है, गुरु बीजाणुधानी का निर्माण, गुरु बीजाणुधानी
का निर्माण अंडप यानी कॉर्पल, अंडप के अंडाशय में स्थित ऐसे कह सकते हैं कि अंडप के अंडाशय में होता है, इसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी को क्या कहते हैं? बीजांड। पहला अंतर स्पष्ट हो गया कि लघु बीजाणुधानी कहाँ बनता है? पुंकेसर के पराकोष में। गुरु बीजाणुधानी कहाँ बनता है? अंडप के अंडाशय में। दूसरा, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से चार अस्तरों या आवरणों, चार अस्तरों कौन कौन से? वाय अस्तर, अंत अस्तर, मध्य अस्तर व टेपिटम द्वारा घिरा होता है। बताइए इन सब के बारे में, जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में सब के बारे में डिटेल आपको सेकंड चैप्टर के हर पार्ट में आपको बता दिया गया है। बस यहाँ पर एक बार हम क्वेश्चन के आंसर्स बता रहे हैं, कुछ समझाएंगे नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ पहले ही समझाया गया है लघु बीजाणुधानी में चारों ओर से चार अस्तर होते हैं। वाय स्तर पहले से ही मौजूद होता है, अंत स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। और अब गुरु बीजाणुधानी को देखें, यानी बीजांड कितने आवरण से घिरा होता है? तो गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड, गुरु बीजाणुधानी चारों ओर से वाय है तथा अंतः अध्यावरणों द्वारा घिरा होता है, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी चारों ओर से किससे घिरा होता है? यानी बीजांड चारों तरफ से वाय अध्यावरण और अंत अध्यावरण से घिरा होता है। आइए तीसरा देखते हैं अंतर। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता ना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी में बहुत सारे लघु बीजाणु यानी परागकण बनते हैं। किससे बनते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से। लेकिन क्या गुरु बीजाणुधानी में बहुत सारे गुरु बीजाणु बनते हैं? नहीं, गुरु बीजाणुधानी में एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जिनसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरु बीजाणु बनते हैं और उनमें से भी तीन नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक क्रियाशील रहता है। यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये भी अंतर हुआ ना, एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणुधानी में सिर्फ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरु बीजाणु का
निर्माण होता है, जिनमें से तीन प्रायः नष्ट हो जाते हैं, केवल एक क्रियाशील रहता है। ठीक, बहुत इजी है, टॉपिक पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए, एक को आपने याद किया, दूसरा अपने आप याद हो गया कि हाँ, लघु बीजाणु धानी में तो बहुत सारे लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन गुरु बीजाणु धानी में तो सिर्फ एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहती है, और वो भी एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका बहुत सारी होती हैं और उनसे बहुत सारे पराकण का निर्माण होता है। चौथा देखते हैं, लघु बीजाणु रेखीय कॉमा टी आकार कॉमा क्रासित चतुष्क में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, किसी किसी में जो चार लघु बीजाणु बनते हैं वो रेखीय क्रम में होते हैं, किसी किसी में टी आकार में होते हैं, किसी किसी में क्रासित होते हैं, और भी प्रकार से होते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु को अगर आप देखें तो जो चार गुरु बीजाणु बनते हैं वो हमेशा रेखीय क्रम में होते हैं। गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, और गुरु बीजाणु चार होते हैं, वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनमें से तीन डिजनरेट हो जाते हैं और एक प्रायः जो बीजाणु द्वार की तरफ होता है वही क्रियाशील रह जाता है। ठीक, इतना आप नोट करिए, चार हो गया। अब हम पढ़ते हैं पांचवा अंतर देखेंगे। पांचवा अंतर है लघु बीजाणु यानी पराग कण, लघु बीजाणु यानी पराग कण। पराग कोष के स्फुटन से मुक्त होते हैं, ये क्या होते हैं, पराकण क्या है, ये नर युग्मकोद्भिद है, और इसमें क्या बनता है, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, लघु बीजाणु क्या होते हैं, पराग कोष के स्फुटन से फट जाते हैं और सब बाहर आ जाता है पराकण। और पराकण क्या है, मैंने पहले भी बताया यहाँ पर भी कि पराकण क्या है, नर युग्मक उद्भिद, उसके अंदर किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु धानी में देखें तो गुरु बीजाणु धानी तो बाहर आती नहीं है, गुरु बीजाणु धानी क्या है, मादा नहीं, सॉरी, गुरु बीजाणु धानी के विकास से क्या बनता है, भ्रूण कोष। गुरु बीजाणु धानी के विकास से भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु के विकास से भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तीन डिजनरेट हो जाते हैं, एक जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है उससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है। और भ्रूण कोष क्या है, भ्रूण कोष मादा युग्मकोद्भिद है, भ्रूण कोष मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक, इसमें क्या बनता है, मादा युग्मक, इसमें मादा युग्मक बनता है। ठीक है, याद करिए।
कि लघु बीजाणु पराग कोष के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं, लघु बीजाणु नर युग्मक उद्भिद कहलाते हैं और इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु के विकास से भ्रूण कोष बनता है यानी एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक अंड कोशिका यानी मादा युग्मक भी होता है। तो बस पांच अंतर इनफ है। अब इनमें क्वेश्चन क्या किया गया है, अंतर हो गया, इसमें पूछ रहे हैं कि इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो क्या कहेंगे कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है, अर्ध सूत्री विभाजन होता है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन दोनों घटनाओं के अंत में, देखिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है, ये क्लियर हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। कह रहे हैं इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए, तो बताइए गुरु बीजाणु लघु बीजाणु धनन जनन के दौरान क्या बनता है, तो लघु बीजाणु जनन के दौरान नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मक कह सकते हैं सीधे, नर युग्मक व गुरु बीजाणु जनन के दौरान मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, बस इतना आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जितनी कोशिकाएं यहाँ पर लिखी गई हैं इनको इनके विकास के क्रम में लिखना है कि कौन सबसे पहले बनता है, फिर कौन उसके बाद बनता है, फिर उसके बाद कौन सा बनता है, यानी ये जितनी भी शब्दावलियाँ दी गई हैं इनको विकासीय क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन बनता है, देखिए यहाँ पर दिया गया परागकण, बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, फिर पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका और नर युग्मक। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले बताइए इनमें से कौन आएगा, सबसे पहले आएगा बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, और उसके बाद आता है लघु बीजाणुजन ऊतक से क्या बनता है, बीजाणुजन ऊतक से बनता है पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और आपको पता है कि इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है, लघु बीजाणु चतुष्क, यानी इसके बाद क्या आएगा, लघु बीजाणु चतुष्क, फिर लघु बीजाणु चतुष्क अलग होकर क्या बनाते हैं, परागकण, यानी इसके बाद आएगा परागकण, और परागकण के बाद क्या आएगा, नर युग्मक, क्योंकि परागकण के अंदर अंत में क्या बनता है, नर युग्मक। ये था इसका विकासीय क्रम। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गया। चौथा आता है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकन चित्र बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी बार इसको आप तैयार करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे फिगर से ही पूछ लिए जाते हैं। तो हम बनाते हैं एक प्रारूपी बीजांड, सीधे आपको ऐसे ही बनाना है, अंडाशय नहीं बनाना है। ये हो गया एक
बीजांड की संरचना, अब ये इनकम्प्लीट है जब तक आप इसके अंदर के समस्त भागों को नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक बीच में भ्रूणकोश बना देते हैं, इसके अंदर पाया जाता है एक भ्रूणकोश और ये समस्त भाग कोशिकाओं से इस तरह से घिरे होते हैं, सब कोशिकाएं ही होती हैं। तो अगर टाइम है तो कोशिका बनाइए, नहीं टाइम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोशिकाओं को बनाकर दिखाएं। ये हो गया एक प्रारूपी बीजांड। हालांकि आप इन सेल्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेरा भी हाथ दर्द होने लगा, तो अगर आप चाहें तो इस सेल्स को मत बनाएं, जैसा मैं पहले बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक आवरण है, अंत आवरण, और ये है आपका वाह अध्यावरण। आइए ये कंप्लीट फिगर हो गया, अब इसमें हम नेमिंग करते हैं। तो ये है एक बीजांड जिसमें ये है अंत अध्यावरण, ये है वाह अध्यावरण, यानी इसे कहते हैं इनर इंटेगुमेंट। जहाँ तक हो सके आप फिगर में इंग्लिश वर्ड जरूर यूज़ किया करें। और ये है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ये है बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल, ये है नाभिका यानी हाइलम, ये है बीजांड काय अंदर का भाग क्या कहलाता है बीजांड काय यानी न्यूसलस, बस ये भाग कहलाता है निभाग यानी चलाजा, ये भाग कहलाता है बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल। भ्रूणकोश के अंदर देखें तो आपको पता है कि इसके अंदर तीन कोशिकाएं होती हैं, एक इधर और तीन कोशिकाएं इधर होती हैं। इनमें से निभाग की तरफ वाला तीनों कोशिका क्या कहलाता है प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल्स, ये कहलाता है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, या इसे हम द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं, द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इनमें से ये दोनों कोशिकाएं कहलाती हैं अगल बगल वाली सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और ये मध्य वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका यानी एग्सेल। बस ये हो गया कंप्लीट एक बीजांड का साफ चित्र, जिसमें आपको नेमिंग भी है, नामांकित चित्र है।
बना लीजिए अपनी कॉपी में, यानी चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब आता है पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है आप मादा युग्मक उद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं। तो आप इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, आप मादा युग्मक उद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं। एक बीजाणु को इंग्लिश में कहते हैं मोनोस्पोरिक, इसका मतलब क्या होता है। अभी आपने अंतर में पढ़ा था कि जो गुरु बीजाणु है वो सिर्फ एक पाई जाती है और उसमें अर्धसूत्री भाजन होता है, तो पांचवा नंबर का आंसर है अर्धसूत्री भाजन होता है, तो चार गुरु बीजाणु बनते हैं आगुणित, तो उनमें से तीन नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील रहता है। एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष का निर्माण होना ही एक बीजाणु विकास कहलाता है, ठीक है। मादा युग्मक उद्भिद का एक बीजाणु विकास, मादा युग्मक उद्भिद का एक बीजाणु विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट। तो मादा युग्मक उद्भिद क्या होता है, मादा युग्मक उद्भिद भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक। आपको पता है कि एक बीजांड में सिर्फ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, एक बीजांड में सिर्फ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, और इसमें जब अर्ध सूत्री विभाजन होता है, अर्ध सूत्री विभाजन होता है, तो इससे क्या बनते हैं, चार आगुणित गुरु बीजाणु, ठीक है, आगुणित गुरु बीजाणु। लेकिन इनमें से भी तीन नष्ट हो जाते हैं, एक ये नष्ट हुआ, एक ये और एक ये, सिर्फ एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है और यही गुरु बीजाणु क्या बनाता है, भ्रूण कोष। तो चूंकि मादा युग्मक उद्भिद यानी भ्रूण कोष का निर्माण सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं एक बीजाणु विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बस आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का कि मादा युग्मक उद्भिद अर्थात भ्रूण कोष का निर्माण एक ही गुरु बीजाणु से होता है, अतः इसके निर्माण को एक बीजाणु यानी मोनोस्पोरिक एक बीजाणु विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसे सबसे पहले किस पौधे में देखा गया था, तो इसे देखा गया था सबसे पहले पॉलीगोनम पौधे में, कि पॉलीगोनम पौधे में देखा गया कि एक गुरु बीजाणु से एक ही भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो लिखेंगे कि इसे सर्वप्रथम पॉलीगोनम पौधे में देखा गया था, अतः इससे इस प्रकार के भ्रूण कोष को पॉलीगोनम भ्रूण कोष कहा जाता है। आगे लिख सकते हैं कि बीजांड के बीजांडकाय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसमें अर्धसूत्र विभाजन के दौरान चार आगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इनमें से तीन नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। फिर आगे लिख सकते हैं कि क्रियाशील गुरु बीजाणु में विभाजन व विकास द्वारा भ्रूण कोष का निर्माण होता है। आप आगे ये भी लिख सकते हैं कि भ्रूण कोष 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। बस अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक उद्भिद यानी फिर भ्रूण कोष के बारे में 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक भ्रूण कोष या मादा युग्मक उद्भिद के बारे में बताइए चित्र की सहायता से। तो आपको बताया कि एक मादा युग्मक उद्भिद यानी भ्रूण कोष में पहले एक ही केंद्रक होता है, ये केंद्रक विभाजित होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, दो केंद्रक बन जाता है, एक केंद्रक निभाग की तरफ चला जाता है, एक केंद्रक बीजाणु द्वार की तरफ, फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है और एक से दो केंद्रक होते हैं, फिर इनमें एक समसूत्री विभाजन होता है, दो से चार होते हैं,
और इनमें एक विभाग की तरफ से और एक बीजांड्य द्वार की तरफ से चले आते हैं केंद्र में, ठीक है, ये दोनों केंद्रक चले आते हैं केंद्र में, ठीक। अब इससे तीन इधर बसता है, तीन इधर, इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, इन सभी में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिससे ये संपूर्ण संरचना सात कोशिकी और आठ केंद्र की हो जाती है। कैसे? सात कोशिकी कैसे? तीन इधर, एक दो तीन, तीन कोशिका इधर और एक दो तीन, तीन कोशिका इधर। अब ये संपूर्ण एक अकेला कोशिका बचा ना, तो ये क्या कहलाता है? एक कोशिका। तीन तीन छः और एक सात कोशिका, सात कोशिका। और आठ केंद्र की कैसे? देखिए केंद्रक, एक दो तीन केंद्र इधर, चार पाँच केंद्र इधर, छः सात आठ केंद्रक हो गए। सात कोशिकी आठ केंद्र की होता है। यह है एक मादा युग्मकोद्भिद का चित्र, जिसे हम भ्रूण कोश भी कहते हैं। अब इसमें कोशिकाओं के नाम क्या हैं? तो इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिका। इसको क्या कहा जाता है? अभी बताए थे ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक। इन तीनों में से इसे कहा जाता है मध्य वाले को अंड कोशिका, और अगल बगल अंड कोशिका के अगल बगल यानी इसको और इसको कहा जाता है सहायक कोशिका, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अंड उपकरण या अंड समुच्चय। बस ये था इस फिगर का आंसर। लेकिन अब कह रहे हैं कि प्रकृति की व्याख्या भी करना है, चित्र तो बनाना ही है साथ में व्याख्या भी करना है, तो आप इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे फिगर बना के, और इसमें लिखेंगे अधिकांश आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कोश सात कोशिकीय व आठ केंद्रकीय होता है। फिर आगे लिखेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है। ये दोनों केंद्रक दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर दोनों केंद्रक पुनः दो समसूत्री विभाजन के द्वारा आठ केंद्र की संरचना बनाते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि आठ केंद्र की संरचना में तीन केंद्रक निभाग की तरफ, तीन केंद्रक बीजाणु द्वार की तरफ तथा दो केंद्रक मध्य में रह जाते हैं। सभी केंद्रक कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। इनमें निभाग की तरफ के तीन कोशिका प्रतिमुख कोशिका कहलाती हैं तथा बीजाणु द्वार की तरफ की तीन कोशिका अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहलाती है, जिसमें मध्य की कोशिका को अंड कोशिका तथा उसके अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं, तथा भ्रूण कोश के मध्य की कोशिका को ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार से परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद सात कोशिकीय व आठ केंद्र की संरचना होती है। बस ये था आपका छः क्वेश्चन। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन, जो कि है उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है और क्या अनुन्मील पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि उन्मील परागणी पुष्प किसे कहते हैं और अनुन्मील परागणी पुष्प किसे कहते हैं। उन्मील परागणी पुष्प, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैस्मो गैमस फ्लावर, और अनुन्मील्य परागणी पुष्प मतलब क्लिस्टो गैमस फ्लावर, क्लिस्टो गैमस फ्लावर। उन्मील परागणी पुष्प जो होते हैं वे सामान्य प्रकार के पुष्प होते हैं। जैसे आप पुष्पों को देखते हैं उसमें एक वर्तिकाग्र ऐसे ओपन होती हैं, उसमें ढेर सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, वाह दल होता है और दल होता है। ये एक सामान्य प्रकार का पुष्प है जो अनावृत है। अनावृत का मतलब किसी भी प्रकार से ढका नहीं है,
एक्सपोज्ड है, खुला हुआ, ठीक है, इसमें कोई भी परागकण आ सकता है। लेकिन अनुन्मील परागणी पुष्प हमेशा कली अवस्था में ही होते हैं, इसके अंदर ही अंदर उसके वर्तिकाग्र और पुंकेसर पाए जाते हैं। तो अनुन्मील परागणी पुष्प बंद होते हैं, कभी खुलते ही नहीं हैं। तो बताइए कि इनमें क्या पर परागण हो पाएगा? पर परागण का मतलब होता है कि जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प पर जाते हैं तब पर परागण की क्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर तो जब पुष्प ही नहीं खुल रहा है, खुलेगा ही नहीं, तो परागकण निकलेगा नहीं या कोई परागकण इसके अंदर इसके वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा ही नहीं। समझ में आया? तो यही है उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। तो उन्मील परागणी पुष्प सामान्य प्रकार का पुष्प होता है जिसमें पुंकेसर और वर्तिकाग्र अनावृत यानी एक्सपोज्ड होते हैं। अनुन्मील परागणी पुष्प ऐसे पुष्प हमेशा बंद होते हैं, इनमें वर्तिकाग्र बंद रहने की वजह से किसी अन्य परागकण के संपर्क में नहीं आ पाते, अतः इसमें पर परागण की प्रक्रिया नहीं होती। बस नोट कर लीजिए, हेडिंग डालेंगे उन्मील परागणी पुष्प कैस्मोग्रामस फ्लावर, इसमें लिखेंगे कि यह एक सामान्य प्रकार के पुष्प होते हैं और इनमें वर्तिकाग्र और पुंकेसर अनावृत यानी एक्सपोज्ड होते हैं। दूसरा लिखेंगे अनुन्मील परागणी पुष्प यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर, लिखेंगे ये पुष्प सदा बंद होते हैं, इन पुष्पों में पुंकेसर और वर्तिकाग्र आपस कह सकते हैं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, इनमें केवल स्वपरागण ही संपन्न होता है क्योंकि वर्तिकाग्र कभी वाह परागकण के संपर्क में नहीं आ पाते, इस वजह से इसमें पर परागण की प्रक्रिया नहीं होती। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अनुन्मील परागणी पुष्पों में बीज निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, क्योंकि इसमें चूंकि स्वपरागण तय होता है और इसमें बीज निर्माण प्रक्रिया भी सुनिश्चित ही होती है। तो लिख सकते हैं कि अनुन्मील परागणी पुष्पों में बीज निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वायोला कॉमा ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, इसे कनकौआ भी कहते हैं, बहुत सुंदर नाम है कनकौआ। नेक्स्ट, पुष्पों द्वारा साफ स्वपरागण को रोकने के लिए दो कार्यनीति का विवरण दें। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो एडवांस हो चुके हैं, वो चाहते नहीं हैं कि उनके खुद का परागकण उनके वर्तिकाग्र पर पहुँचे, और इसके रोकने के लिए उनमें बहुत सारी विशेषताएँ पाई जाती हैं जिनमें से आपको दो के बारे में बताना है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे बताया मैंने, दो के बारे में यहाँ पर आपको विवरण देना है। तो पहला आप देख लीजिए एकलिंगता यानी यूनि सेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी भी कह सकते हैं इसे, और दूसरा स्वबंध्यता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी या इसे इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी। तो पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उनमें बहुत सारे हैं जिनमें एकलिंगता और स्वबंधता आपको बताया जा रहा है क्योंकि दो ही पूछा गया है। एकलिंगता मतलब पुष्प चाहते हैं कि उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो, इसलिए वे नर पुष्प अलग उत्पन्न करती हैं और मादा पुष्प अलग उत्पन्न करती हैं। तो जब किसी पौधे में नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग हो तब उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। एकलिंगता किसके लिए बनाई जाती है? स्वपरागण को रोकने के लिए। स्वबंधता क्या होता है? कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, ध्यान से समझिएगा, इसी को कहते हैं स्वबंधता। यानी अगर किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागण की प्रक्रिया संपन्न, परागण तो हो जाता है लेकिन निषेचन नहीं होता, यानी इसका पराग नली अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। अब ऐसा क्या सिस्टम होता है? तो ये वर्तिकाग्र के पास बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे वो पहचानती हैं कि हमारी परागकण कौन से हैं, दूसरे परागकण कौन से हैं। ये सब प्रक्रिया वर्तिकाग्र अच्छी तरीके से जानती है, यानी वर्तिकाग्र के पास यह क्षमता होती है कि वे विभिन्न प्रकार के परागकणों का पहचान कर सकती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जिनसे वो पहचान करती हैं।
तो अगर ये परागकण इस पे पहुंचा तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, ये कहलाता है स्वाबंधता। ठीक, आप नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन और उसका उत्तर लिखेंगे। पुष्पी पौधों में अनेक ऐसी युक्तियां पाई जाती हैं जो इनमें स्वपरागण को रोकने में सहायता करती हैं और परपरागण को प्रेरित करती हैं। अब आगे लिखेंगे कि स्वपरागण को रोकने के लिए इनमें निम्न युक्तियां पाई जाती हैं। पहला हेडिंग एक लिंगता यानी यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनिंग, इसमें आप लिखेंगे एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर उत्पन्न होते हैं। फिर आप लिखेंगे कि नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पौधे एक लिंगाश्रित पौधे कहलाते हैं। और इसमें लिखेंगे इनमें स्वपरागण नहीं होता, जैसे पपीता कमा भांग आदि। दूसरा हेडिंग डालेंगे स्वाबंधता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी, और इसमें लिखेंगे इसमें एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस परागकण का अंकुरण नहीं हो पाता, उसमें परागनलिका वृद्धि नहीं होती, इसे स्वबंधता कहते हैं, जैसे तंबाकू आलू आदि। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व अयोग्यता क्या है, स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। यही है स्वबंधता यानी स्व अयोग्यता, इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे स्व अयोग्यता का मतलब होता है इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए मैंने बताया ना कि जब कोई पुष्प होता है उसकी वर्तिकाग्र है, तो वर्तिकाग्र तो अगर उन्मील परागणी पुष्प है तो वर्तिकाग्र अनावृत होता है, एक्सपोज होता है, खुला होता है, तो इस पर कोई जरूरी नहीं है कि इसी का परागकण जाए, हो सकता है किसी अन्य पुष्प का परागकण जाए, हो सकता है ये गुलाब का पुष्प हो और ये गेंदे के पुष्प का परागकण चला जाए, तो परागकण तो कोई भी जा सकते हैं ना। तो वर्तिकाग्र के पास यह क्षमता होती है कि वे विभिन्न प्रकार के परागकणों की पहचान कर सकते हैं और इसी को कि वे अन्य परागकणों को एक्सेप्ट नहीं करती, उनसे निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, इसी को कहते हैं स्व अयोग्यता, इनकम्पैटिबिलिटी। यानी फालतू के परागकण आएंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लो कि परागकण आते हैं, उनका अंकुरण भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वर्तिकाग्र उसके परागनलिका को अंदर प्रवेश करने नहीं देती। अगर उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो उसका अगर परागकण जाता है तो परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, निषेचन भी होगा। अगर उसी जाति के किसी अन्य पुष्प का परागकण आ गया, मान लो गुलाब की किसी अन्य जाति के पौधे का पुष्प का परागकण आ गया इस पर, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुलाब के वर्तिकाग्र पर गेंदे के परागकण आकर इस पर अंकुरित हो जाए, ऐसा नहीं होता। गेंदे का परागकण कभी भी गुलाब के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रजाति के पौधे के परागकण भिन्न भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। अगर हो सकता है कि अंकुरण परागकण में हो जाए तब भी पराग नलिका उस बीजांड के अंदर वर्तिकाग्र अंतर प्रवेश नहीं कर पाती। बस यही होता है स्व अयोग्यता। अब ऐसा कैसे होता है कि किसी अन्य परागकणों को वर्तिकाग्र पहचान लेती है, तो वर्तिकाग्र के पास मैंने बताया ना ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं परागकणों के आने के बाद, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे वे इंटरैक्ट होती हैं एक दूसरे से, बातचीत होती है कि भैया आप हमारे ही कैटेगरी के हो या अन्य किसी कैटेगरी के हो, तो जब बताते कि भैया हम तो दूसरे कैटेगरी के हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं होता, बोलते बात नहीं करते हैं, बस केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके द्वारा ये पहचान लेती हैं वर्तिकाग्र कि हमारा परागकण नहीं है, हमारी जाति का भी परागकण नहीं है और इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे स्व अयोग्यता के बारे में, परागण द्वारा पराग को से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं होता कि परागकण उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे हैं। प्रायः विभिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। स्त्री केसर में सही प्रकार के परागकण को पहचानने की क्षमता होती है। सही प्रकार अर्थात उसी प्रजाति के परागकण को स्त्री केसर स्वीकृत कर लेती है और परागण पश्चक्रिया संपन्न होती है, अर्थात निषेचन पूर्ण होता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, भिन्न प्रजाति के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर उनका अंकुरण नहीं होता है। यदि परागकणों का अंकुरण हो भी जाता है तो पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती, अर्थात स्त्री केसर उस परागकण को अस्वीकृत कर देता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, एक स्त्री केसर द्वारा
परागकणों को पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों व स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम होता है। यह संवाद परागकण व स्त्री केसर के बीच रासायनिक या रसायनों की परस्पर क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अनेक द्विलिंगी पुष्पों में स्वबंधता या स्व अयोग्यता का गुण होता है, जिससे उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकागर पर पहुँचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता और उनमें निषेचन की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिससे उनमें बीज निर्माण नहीं होता। बस नेक्स्ट आता है, बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप जनन में यह कैसे उपयोगी है। मैंने बताया था कि थैली लगाने की प्रक्रिया कब होती है, जब हम कृत्रिम परागण कराते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम पुंकेसरों को काट देते हैं, काटकर अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन, इमैस्कुलेशन यानी रिमूवल ऑफ एंथर, पुंकेसरों को काटकर हटाना, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बैग से पॉलीथीन की छिद्रित थैली से ढक देते हैं। इसी को कहते हैं बैगिंग यानी थैली लगाना, जिससे कि कोई अन्य परागकण इस पर आकर अंकुरित ना हो जाए। ठीक है, बैगिंग। बस आप लिखेंगे इसमें बैगिंग या थैली लगाना तकनीक में, बैगिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व परागकणों को काटकर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे, और उसके बाद वर्तिकाग्र को एक पॉलीथीन की छिद्रित थैली से ढक दिया जाता है। इससे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते। इसी प्रक्रिया को बैगिंग या वस्त्रावरण कहा जाता है। जब पुष्प पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तब बैग को हटाकर वांछित परागकणों को इन पर छिड़क दिया जाता है और फिर पुनः पॉलीथीन के छिद्रित थैली से ढक दिया जाता है, जिससे परागकण इसके अंदर अंकुरित होते हैं और अंड कोशिका से नर युग्मक का संयुग्मन होता है और निषेचन के पश्चात फल व बीज का निर्माण होता है। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो मैंने बताया था कि भ्रूण कोष में दो नर युग्मक छोड़े जाते हैं, एक परागकण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है और इस तरह से भ्रूण कोष के अंदर दो नर युग्मक प्रवेश करते हैं। ये है अंड कोशिका और ये है ध्रुवीय केंद्रक। जब पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है तो इससे दो नर युग्मक रिलीज होता है। एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ संयोजित होती है और बनाती है युग्मनज। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन या सत्य निषेचन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। और एक जो दूसरा नर युग्मक है वो फ्यूज करता है ध्रुवीय केंद्रक से और इसे कहते हैं त्रिसमेकन, जो पूछा गया है त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN। बस तो लिखेंगे कि परागण के फलस्वरूप परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती हैं और परागकण से दो नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं।
एक नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ संयुग्मित होता है, इसे संयुग्मन या सत्य निषेचन कहते हैं, यानी सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होता है, इस प्रक्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, इससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN का निर्माण होता है। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिसमेकन बराबर नर युग्मक प्लस दो ध्रुवीय केंद्रक। बस अब लास्ट लाइन में लिख सकते हैं कि आवृत बीजी पौधों में दोनों प्रक्रियाओं संयुग्मन और त्रिसमेकन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड से बीज वाण्डाशय से फल का निर्माण होता है। बस नेक्स्ट आता है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एक निषेचित बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रसुप्ति, युग्मनज की कुछ समय तक की प्रसुप्ति के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी अंडकोशिका और नरयुग्मक से जो युग्मनज बना है ये आगे विभाजन कुछ समय तक नहीं करता, ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं कि अंडकोशिका और नरयुग्मक आपस में फ्यूज करके युग्मनज तो बना लेते हैं, लेकिन युग्मनज तुरंत विभाजन प्रारंभ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक इनसे पहले युग्मनज के विभाजन से पहले ही विभाजित होकर भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म का निर्माण करती है। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर कुछ समय तक विकसित होकर भ्रूणपोष बनाती है, और ऐसा इसलिए जरूरी है कि भ्रूणपोष में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, तो जब युग्मनज से भ्रूण बनता है तो उस समय खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है जो भ्रूणपोष से प्राप्त होता है उसको। तो यही कारण है कि युग्मनज निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजित नहीं होता, कुछ समय तक रुका होता है, उसी को कहते हैं युग्मनज की प्रसुप्ति। तो युग्मनज कुछ समय तक प्रसुप्त होता है जिससे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर कुछ सीमा तक भ्रूणपोष का निर्माण कर दे, क्योंकि भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता है, संचित होता है, जो युग्मनज से भ्रूण बनने में उसको पोषण प्रदान करता है। बस तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, निषेचित बीजांड के भ्रूणकोष में द्विगुणित युग्मनज व त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को छोड़कर बाकी समस्त कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का विभाजन प्रारंभ नहीं होता। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एक निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष के विकसित हो जाने के बाद युग्मनज का विभाजन और भ्रूण का विकास होता है, या एक प्रकार का अनुकूलन है जिससे विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त हो सके, क्योंकि त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। अतः बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रसुप्ति भ्रूणपोष को विकास की अवधि व अवसर प्रदान करता है, साथ ही भ्रूण को पोषण प्रदान कराता है। बस ये हो गया 12 क्वेश्चन। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें आपको अंतर बताना है। पहला है बीज पत्राधार व बीज पत्रोपरीक में, दूसरा प्रांकुर चोल और मिलांकुर चोल में, तीसरा अध्यावरण व बीज चोल में, और चौथा परिभ्रूणपोष व फलभित्ति में। एक ही में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए देखते हैं, पहला हम देखेंगे बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरीक में क्या अंतर है। बीज पत्राधार जिसे हाइपोकोटिल या हाइपोकोटाइल कहते हैं, और दूसरा आता है बीज पत्रोपरीक जिसे इपिकोटाइल कहते हैं। पहला अंतर देखेंगे तो बीज पत्राधार कहाँ पाया जाता है। तो भ्रूण के जो अक्ष होता है, आपने द्विबीजपत्री पौधे में उसके भ्रूण को देखा था, तो भ्रूण में ये अक्ष कहलाता है, ये अक्ष। तो भ्रूण के बीजाक्ष जिसे टाइजलम कहते हैं, पर किसके किसके मध्य, मूलांकुर व बीजपत्र के मध्य बीजपत्राधार पाया जाता है।
पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? बीजपत्रोपरिक, तो भ्रूण के बीजाक्ष पर प्रांकुर व बीजपत्र के मध्य बीजपत्रोपरिक पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले ये डिफरेंस देख लें। तो बीज पत्राधार पाया जाता है मूलांकुर और बीजपत्र के मध्य, बीज पत्रोपरिक पाया जाता है प्रांकुर और बीजपत्र के मध्य। अगर बीज का अंकुरण होता है बीज के अंकुरण के समय यदि बीज पत्राधार में वृद्धि होती है, तो जो बीजपत्र होते हैं बीजपत्र फूल कर मृदा से बाहर आ जाते हैं, जैसे अरंडी में यानी कैस्टर में। इसमें अगर बीज के अंकुरण के समय बीजपत्रोपरिक में वृद्धि होती है तो बीजपत्र यानी कॉटिलेडॉन मृदा में ही रह जाते हैं, जैसे चना मक्का आदि में। बस ये दो डिफरेंस बहुत है, उतार लीजिए। अब आता है नेक्स्ट, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर। प्रांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल और मूलांकुर चोल, यानी कोलियो राइजा। इसमें पहला अंतर लिखेंगे कि यह एक बीज पत्री भ्रूण में प्रांकुर के चारों ओर सुरक्षा आवरण बनाता है। इसमें लिखेंगे कि यह भी एक बीज पत्री भ्रूण में पाया जाता है, परंतु यह मूलांकुर के चारों ओर सुरक्षा आवरण बनाता है। बस अब आता है तीसरा, अध्यावरण व बीज चोल। बोल दे रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए, दो कॉलम बना लीजिए, अध्यावरण और बीज चोल। अध्यावरण में लिखेंगे कि बीजांड द्वार को छोड़कर चारों ओर से एक या दो अध्यावरण द्वारा घिरा होता है। दूसरा, बीज चोल में लिखेंगे कि बीजांड में पाए जाने वाले दो अध्यावरण वाह्य अध्यावरण व अंतः अध्यावरण होते हैं। इनमें वाह्य अध्यावरण से बीज चोल यानी टेस्टा का निर्माण होता है। आगे ये भी लिख सकते हैं, तथा अंतः अध्यावरण से अंतः कवच या टेगमेन का निर्माण होता है। बस नेक्स्ट आता है परिभ्रूणपोष व फलभित्ति में अंतर। तो इसमें भी दो कॉलम बना लेंगे, परिभ्रूणपोष और फलभित्ति में। परिभ्रूणपोष में लिखेंगे कि कुछ बीजों में बीजांड काय एक पतली परत के रूप में भ्रूणपोष के भ्रूणपोष में पाई जाती है, एक पतली परत के रूप में भ्रूणपोष में पाई जाती है, जिसे परिभ्रूणपोष या पेरी स्पर्म कहते हैं। उदाहरण, कुमुदिनी, काली मिर्च आदि। फलभित्ति में लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की भित्ति
फल भित्ति बनाती हैं। फल भित्ति और बीज मिलकर फल का निर्माण करते हैं या फल कहलाते हैं। आगे लिखेंगे कि शुष्क फलों यानी ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम, तो इसमें लिखेंगे शुष्क फलों में प्रायः एक फल भित्ति पाई जाती है या फल भित्ति में एक परत पाई जाती है, लेकिन सरस फलों यानी गूदेदार फल, सरस फलों यानी फ्लैसी फ्रूट्स में फल भित्ति मोटी होती हैं और तीन स्तर बनाती हैं। कौन कौन से बताइए? फल भित्ति तीन स्तर बनाती हैं, एपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प। बस अब आता है 14वां, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो आप याद रखेंगे, आभासी फल यानी असत्य फल वह फल होता है जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से बनता है, ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। और सेब चूंकि पुष्पासन से बनता है, पुष्प के पुष्पासन यानी थैलमस से विकसित होता है, अतः हम सेब को आभासी फल कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, परंतु यदि फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन, वाय दल, दल इनसे होता है तो वह फल आभासी फल कहलाता है। चूंकि सेब के फल का निर्माण पुष्प के पुष्पासन यानी थैलमस से होता है, अतः सेब को आभासी फल यानी फाल्स फ्रूट कहते हैं। बस इसी में यह भी आंसर हो गया, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्पासन। नेक्स्ट आता है विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो विपुंसन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर, जब पराग को उसको काट कर निकाल दिया जाता है, यही कहलाता है विपुंसन। कब ये अपनाता है? जब उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना हो, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया करानी हो, तब एक पादप प्रजनक ये कार्य करता है। तो इसमें आप हाड़ी डाल के लिखेंगे विपुंसन, इमैस्कुलेशन लिखेंगे कि अपरिपक्व पुष्प की कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उसके पराग कोष को काट कर निकालना विपुंसन कहलाता है। एक पादप प्रजनक विपुंसन का प्रयोग कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए करता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक फलन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक फलन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो बताइए पहले कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और कृत्रिम रूप से भी करा सकते हैं। किसके द्वारा? वृद्धि कारकों के द्वारा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन सब का अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो पुष्प से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं और उन्हें हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं। देखिए निषेचन के पश्चात जो फल अंडाशय से बनता है वो बीज युक्त होता है, लेकिन बहुत से ऐसी प्रजाति हैं जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, ऐसे फल बीज रहित होते हैं और ऐसे फलों को हम अनिषेक फलनी फल तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। हम वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए भी अनिषेक फलन की प्रक्रिया करा सकते हैं। वृद्धि कारकों की एक उचित सांद्रता को पुष्पों पर छिड़कने पर पुष्प से बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है और ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फलों को हम किस लिए बनाएंगे? तो ऐसे फल जिनमें बहुत ज़्यादा बीज बनता है उस बीज को हटाने के लिए हम ऐसे फल का निर्माण करते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, तरबूज हो गया, अमरूद, पपीता, नींबू आदि। लेकिन ऐसे फल संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी के बीजों का कोई उपयोग है? नहीं, बीज को तो निकाल ही देते हैं। पपीता, तरबूज, इन सभी के बीज को तो खाते नहीं, निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अनिषेक फलन तो कराना सही है, लेकिन क्या अनार में अनिषेक फलन कराना उचित होगा? अनार के तो बीज जो हैं उनमें ही पोषक पदार्थ भरे हुए हैं, अगर हम उनमें बीज का बनना ही बंद कर देंगे तब तो यह हानिकारक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखेंगे कि ऐसे ही फल को चुनते हैं जिनमें बीज का प्रयोग नहीं होता। तो लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ऐसे फल बीज युक्त होते हैं, परंतु अनेक प्रजातियों में बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है और ऐसे फल बीज रहित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। फिर लिखेंगे कि वृद्धि कारकों की एक उचित सांद्रता का प्रयोग करते हुए हम किसी पुष्प को बिना निषेचन के ही फल बनने को प्रेरित कर सकते हैं और करते हैं। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, अतः हम उन्हीं फलों को विकसित करते हैं जो जिनमें बीज का कोई उपयोग ना हो, जैसे संतरा, नींबू, आम, अमरूद, पपीता आदि में। ऐसे फल जिनमें बीज में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं उनमें, जैसे अनार, उनमें अनिषेक फलन
कराना हानिकारक होता है। बस नेक्स्ट आता है पराग भित्ति रचना में टेपिटम भित्ति की भूमिका की व्याख्या करें। तो टेपिटम की भूमिका क्या होती है पराकण भित्ति की रचना में? तो आपको पता है कि पराकण में दो स्तर पाए जाते हैं, वाह्य स्तर जिसे वाह्य चोल जिसे कहते हैं, वाह्य चोल जिसे हम एक्साइन कहते हैं, और अंतः जो चोल जिसे हम इंटाइन कहते हैं। तो वाह्य चोल जो होता है वो बना होता है स्पोरोपॉलिडिन का। तो जो टेपिटम होता है वो पराकण के वाह्य स्तर को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ऐसे पुष्प जो कीट परागित होते हैं, कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, उनमें पराग कणों में परागण किट या पॉलन किट का निर्माण करते हैं। अब पॉलन किट क्या होता है? तो पॉलन किट का मतलब होता है परागकण का चिपचिपा होना, परागकण के बाहर तेल जैसी संरचना टेपिटम द्वारा ही लगाई जाती है जिससे पॉलन ग्रेन यानी परागकण चिपचिपे हो जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलन किट। जिससे कोई भी कीड़ा अगर उस पर बैठता है तो उसके शरीर पर वह परागकण चिपक जाए। तो टेपिटम की भूमिका क्या है? एक तो ये कि परागकण की वाह्य भित्ति या वाह्य चोल एक्साइन के निर्माण में भाग लेता है, उसमें सहायता करता है, और दूसरा उसके चारों तरफ पराकड़ के चारों तरफ तेल जैसे पदार्थ को स्रावित कर देता है जिससे उसमें पॉलन किट का निर्माण होता है। तो लिख सकते हैं पराकड़ भित्ति रचना में टेपिटम परागकड़ के वाह्य भित्ति यानी एक्साइन के निर्माण में सहायता करती है, साथ ही पराकड़ के चारों तरफ तेल जैसे पदार्थ को स्रावित करती है जिससे कीट परागित पुष्पों में पराग कण का पॉलन किट निर्माण होता है। पॉलन किट क्या होता है? तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉलन किट का मतलब पराग कण का चिपचिपा होना। बस नेक्स्ट आता है असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है? तो असंग जनन यानी एपोमिक्सिस मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो पुष्प होता है उसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है और उस बीज से नया पौधा विकसित होता है, इसी को हम असंग जनन कहते हैं। तो लिखेंगे असंग जनन में कि कुछ ऐसे लेंगे या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यानी जब इसमें कोई युग्मक संलयन नहीं हो रहा, युग्मक निर्माण नहीं हो रहा, अर्धसूत्र विभाजन नहीं हो रहा, तो अलैंगिक जनन की विधि कहलाएगी। तो लिख सकते हैं असंग जनन के बारे में कि यह एपोमिक्सिस कहते हैं इसे इंग्लिश में। लिखेंगे कि यह एक प्रकार से अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें बिना इसमें बीज का निर्माण निषेचन के बिना होता है या निषेचन की अनुपस्थिति में होता है। लिखेंगे इस प्रकार से पुष्प में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है जिसे इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। यह प्रायः अनिषेक बीजता यानी अगैमोस्पोरी के कारण होता है, जैसे घास कुल व सूरजमुखी कुल के पौधों में। बस 18 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में जिनके आंसर आपको बता दिए गए, अच्छे तरीके से इसको नोट करिए, बार बार इसको पढ़िए और याद करने की पूरी कोशिश करिए। बस आगे जो भी चैप्टर होगा जल्दी आपको बताया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी नीति चैनल के साथ। धन्यवाद।